दोस्तों 2022 में सच दिखाने वाले, फर्जी खबरों का पोस्टमार्टम करने वाले, झूठी खबरें फैलाने वालों का झूठ पकड़कर जनता के सामने रखने वाले, सच का आईना दिखाने वाले जुबैर को पुलिस ने कई दिनों तक जेल में रखा था, आपको याद होगा। और कहा गया था कि कैसे जो है जुबैर ने बहुत क्राइम किया है, बहुत अपराध किया है, कि किस तरीके से जो है जुबैर पर कई सारे केसों का जो पिटारा है वो लाद दिया गया था, और लंबे समय तक जेल में रखने की कोशिश भी की गई थी। लेकिन धन्य हो सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए जुबैर को रिहा किया, फौरन रिहाई दी, और दिल्ली पुलिस से कहा कि आप इस पूरे मामले में जुबैर को रिहा करें, और जो भी याचिका है, जहां जहां पर भी केसेस किए गए हैं, उस सब का जो सुनवाई है वो दिल्ली में होगा। इस तरीके के फैसले उन्होंने दिए थे। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये सब आज मैं क्यों बता रही हूं, अचानक जुबैर की बातें क्यों करने लगी। हाँ तो दोस्तों, आपको तो बताऊंगी ही, लेकिन उन नफरती चिंटुओं और फटे हुए ढोल समान गोदी मीडिया के लिए इससे बड़ा दर्द और कुछ नहीं होगा कि दिल्ली पुलिस, जो दिल वाली पुलिस कभी कहलाती थी, वो जुबैर को जेल में डाला, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत कोर्ट के सामने पेश नहीं कर पाई। वो अपराधी है, इस पूरे मामले पर उसने कोई सबूत जो है कोर्ट के समक्ष नहीं पेश कर पाई। उसने अपराध क्या किया, उसका आपराधिक छवि क्या था, और कैसे वो लोगों को उकसाता है, भड़काता है, ये तमाम तरीके की बातें जुबैर के बारे में आपने सुना होगा, 2022 में काफ़ी चर्चा में रहे हैं। लेकिन उन तमाम बातों के बाद भी जुबैर को एक मामले में, जी हाँ दोस्तों, एक मामले में बड़ी जो है राहत मिली है। किसी को के खिलाफ जो है जुबैर ने नारा भी नहीं लगाया था, जैसे आजकल नेता लगाते रहते हैं देश के गद्दारों को, फलाने फलाने जैसे नारों से संबोधित करते होंगे, आपको याद होगा, और ना ही चाकू तेज करने को लेकर जुबैर ने किसी को कहा, और ना ही किसी समुदाय का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया, खुले मंच से आह्वान किया, और ना ही शपथ दिलवाई। ये सब कुछ जुबैर ने नहीं किया, और जिसने किया, जिसने इस तरीके के नारे दिए, वो आज कहाँ है, उनके खिलाफ क्या हुई, क्या कार्रवाई हुई है, वो आपके सामने है, वो आप देख ही चुके हैं कि वो जेल में है या बाहर घूम रहे हैं। खैर दोस्तों, आपको बता दें कि लंबी कोर्ट कचहरी के चक्कर के बाद कोर्ट, और जब कोर्ट में जुबैर के मामले को सुनवाई हुई, तो एक बात ज़रूर निकल कर सामने आई, वो भी दिल्ली पुलिस की तरफ से, कि जुबैर के खिलाफ जो सबूत इकट्ठा किए गए थे, वो सबूत जुबैर के खिलाफ नहीं मिले। उनका सीधा मानना है दिल्ली पुलिस का कि जुबैर कोई जो है आपराधिक कैटेगरी में नहीं आ रहा है। दिल्ली पुलिस गुरुवार को उच्च न्यायालय को बताया है कि अगस्त 2020 में एक ट्विटर यूजर के जवाब में ऑल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर द्वारा पोस्ट किए गए ट्वीट में कोई अपराध नहीं पाया गया है। ऑल्ट न्यूज़ के रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली पुलिस की ओर से पेश अधिवक्ता नंदिता राव ने न्यायमूर्ति अनूप जयराम भवानी से कहा कि जुबैर का नाम भी FIR के संबंध में दायर चार्जशीट में नहीं है। अब अदालत ने मामले की 2 मार्च को सुनवाई करने के लिए लिस्ट किया है ये केस, और पुलिस को चार्जशीट के रिकॉर्ड पर रखने के लिए भी कहा गया है। ये मामला जुबैर द्वारा पोस्ट किए गए एक ट्वीट से जुड़ा है, जिसमें एक यूजर की प्रोफाइल तस्वीर साझा करते हुए उन्होंने पूछा था क्या वो अपनी पोती की तस्वीर वाली प्रोफाइल पिक्चर का उपयोग करते हुए जवाब में अपमानजनक भाषा का उपयोग करना उचित मानेंगे। जुबैर ने अपने ट्वीट में नाबालिग लड़की के चेहरे को ब्लर कर दिया था। ऑल्ट न्यूज़ के अनुसार जुबैर ने ट्वीट में कहा था कि हेलो, क्या आपकी प्यारी पोती को सोशल मीडिया पर लोगों को गाली देने के आपके पार्ट टाइम जॉब के बारे में पता है? मैं आपको अपनी प्रोफाइल तस्वीर बदलने की सलाह देता हूँ। यूज़र ने तब जुबैर के खिलाफ अपनी पोती के साइबर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कई शिकायत दर्ज करवाई थी। कई मामलों में जो है जुबैर के खिलाफ FIR करवाई थी, शिकायत दर्ज करवाई थी। जुबैर के खिलाफ दिल्ली में दर्ज FIR में कई धाराएं भी लगाई गई थी। द इंडियन एक्सप्रेस को रिपोर्ट के मुताबिक अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो जुबैर को दिल्ली पुलिस के साइबर सेल द्वारा यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के तहत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि NCPCR की शिकायत पर ट्विटर के माध्यम से एक बच्ची को धमकाने और प्रताड़ित करने के लिए मुकदमा दर्ज किया गया था उस यूजर की तरफ से। लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल करने के बाद उसके खिलाफ, जुबैर के खिलाफ कोई भी सबूत इकट्ठा नहीं कर पाई। जुबैर ने FIR को रद्द करने और NCPCR के चेयरपर्सन और इस मामले में शिकायतकर्ता प्रियंका कानूगो और उस ट्विटर यूजर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था, जिसको जुबैर ने
ट्विटर पर जवाब में वो ट्वीट पोस्ट किया था। लेकिन अब इस पूरे मामले पर दोस्तों आपको बता दूं कि NCPCR की शिकायत में जुबैर द्वारा 6 अगस्त 2020 को साझा किए गए इस ट्वीट का हवाला दिया गया था, जिसमें नाबालिग लड़की की तस्वीर थी और जिसका चेहरा धुंधला था, यानी कि ब्लर था। दिल्ली पुलिस की ओर से पेश अधिवक्ता नंदिता रॉय ने हाईकोर्ट से कहा कि जहां तक जुबैर का सवाल है, जुबैर का संबंध है, पुलिस ने कोई अपराध नहीं पाया है और इस तरह से चार्जशीट में उनका नाम शामिल भी नहीं किया गया है। NCPCR की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल KM नटराज ने कहा कि वो इस पूरे मामले में और निर्देश लेंगे। तो इस तरीके से जुबैर के खिलाफ कोई भी सबूत जो है वो इकट्ठा दिल्ली पुलिस नहीं कर पाई, जिसे जुबैर को के खिलाफ FIR दर्ज किया जा सके। तो इस मामले में जुबैर जो है वो उनको बड़ी राहत मिली है। अभी फिलहाल इस पूरे मामले का फैसला तो नहीं आया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बातें कही गई और जो मतलब इस पूरे मामले में सुनवाई हुई, और जुबैर की वकील जो है उन्होंने इस पूरे मामले में लोगों को जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस ने जुबैर के खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला में जो साजिश रची गई थी उसका सबूत वो इकट्ठा नहीं कर पाए हैं, जिससे उस परिवार के लोगों को कोई खतरा हुआ हो, कोई मतलब प्रोफाइल पिक्चर जो उसने पोस्ट किया था ब्लर करते हुए, ऐसे किसी भी मतलब खतरे को उन्होंने अंजाम नहीं दिया था। दोस्तों आपको याद होगा कि जुबैर को लेकर कई ऐसे शिकायत जो है पिछले साल दर्ज कराए गए थे, जिनमें हनुमान भक्त का तो आपको पता ही है, उसके बाद किस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी उनके खिलाफ जो है FIR दर्ज की गई थी। दोस्तों जिस तरीके से सीतापुर का जो एक संत था उसको लेकर जब जुबैर ने सोशल मीडिया पर उसकी खबरों को उजागर किया और कैसे एक समुदाय के खिलाफ जहर उगलते हुए नजर आए, जिसके बाद ये पूरा मामला कोर्ट गया और कोर्ट में जज साहब ने कहा कि आप किसी माननीय सम्माननीय को इस तरीके से हेट स्पीचर नहीं कह सकते हैं, और इस पूरे मामले में काफ़ी ज़्यादा किरकिरी भी हुई कि कोई कैसे ये कह सकता है कि आप ऐसे लोगों को हेट स्पीचर ना कहें, कि जो कि शब्दों को लेकर किस कदर एक समुदाय के खिलाफ गंदी बातें कर रहे थे और उनकी मानसिकता साफ तौर पर नज़र आ रहा था। हालांकि उस महंत ने माफ़ी मांग ली थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा विवादों में रहे थे और जब इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई तो उनको सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली और तमाम मुद्दों पर उनको ये कहा गया कि दिल्ली पुलिस की तरफ से कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ये आदेश दिया गया था कि आप इस पूरे मामले का जो है एक बयान, एक चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करें। और आज जिस तरीके से 2022 का एक केस था उसमें जुबैर की एक बड़ी किस्म की जो बात कही गई है कोर्ट के अंदर वो ये है कि दिल्ली पुलिस ने कोई भी अपराध की जो कैटेगरी में जुबैर को रखने की कोशिश की गई थी वो पूरी तरीके से पूरा नहीं कर पाए और कोर्ट के सामने कोई सबूत पेश नहीं कर पाए। हालांकि गोदी मीडिया ने भी जुबैर के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा मुहिम चलाया था कि जुबैर जेल के अंदर रहे। अंजना ओम कश्यप से लेकर सुशांत सिन्हा और ना जाने कई ऐसे पोर्टल थे, न्यूज़ चैनल के मतलब वेब पोर्टल जहां पर खबरें प्रकाशित होती है, कई बड़े ऐसे नाम थे दोस्तों जो जुबैर को सेलेक्टिव पत्थरबाज तक कहते हुए नजर आए थे। अंजना ओम कश्यप, उनके ट्वीट्स आप उठाकर देख ले, जो जुबैर को सेलेक्टिव पत्थरबाज कहते हुए नहीं थक रही थी और खुशी मना रही थी जब जुबैर जेल गया था। हालांकि जब कुछ दिन बाद जुबैर बाहर आ गए थे तो उन तमाम नफरती चिंटुओं के मुंह पर जबरदस्त तरीके का तमाचा लगा था। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ द नेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले।